हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टी एस टेलर पॉइंट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 32 इंच चेस्ट वाले कटोरी ब्लाउज का कटिंग और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके आज का हमारा मेजरमेंट है लंबाई साढ़े इंच चेस्ट बत्तीस इंच कमर है सत्ताईस इंच शोल्डर है साढ़े नौ इंच सामने गला है छः इंच पीछे गला है साढ़े तीन इंच और कटोरी है साढ़े पाँच इंच इस मेजरमेंट के हिसाब से आज हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं बत्तीस इंच चेस्ट वाले ब्लाउज का कटिंग हम लोग सबसे पहले सामने पल्ला को ही पहले कटिंग कर करते हैं उसके बाद ही पीछे पल्ले को करते हैं कारण इसलिए है क्योंकि हम लोग सामने पल्ला को डेढ़ इंच प्लस करके तो उसको ड्रा करते हैं और पीछे पल्ला को पौन इंच अब इसलिए उसको ऐसा करते हैं क्योंकि हमको जो बेल्ट रहता है उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन और अलग से नहीं देना पड़ता जब हम कपड़े पे उसको रख के कट कटिंग करेंगे तो उसको एक्स्ट्रा मार्जिन दे के और बढ़ाना नहीं पड़ता हम लोग इसी में बढ़ाए हुए हैं इसलिए हमारा आज का ब्लाउज का लंबाई है साढ़े बारह इंच तो हम इसमें डेढ़ इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा चौदह इंच तो चौदह इंच पे यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे यहाँ पर भी चौदह इंच पे एक निशान लगा लेंगे और दोनों निशान को स्केल की सहायता से मिला लेंगे अब आ जाते हैं हम लोग शोल्डर हमारा शोल्डर है साढ़े नौ इंच तो साढ़े नौ का आधा होता है हाफ़ होता है पौने पाँच यहाँ पर भी पौने पाँच पे निशान लगा लेंगे और दोनों निशान को मिला लेंगे अब आ जाते हैं आर माहौल की गहराई हम लोग आर माहौल की यहाँ पर गहराई साढ़े चार इंच ही लेंगे क्योंकि हमारा चेस्ट जो है बत्तीस इंच है अब इसको साढ़े चार इंच कैसे लगाते हैं इसको मैंने एक वीडियो डाला हुआ है ब्लाउज़ के नाप कैसे लेते हैं उसमें आप देख लीजिए आर माहौल की गहराई का माप कैसे लेते हैं उसमें आपको पूरा डिटेल से दिया हुआ है इस निशान को आगे बढ़ा लेंगे हमारा यहाँ पर चेस्ट जो है बत्तीस इंच है तो बत्तीस को फोर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है आठ इंच तो आठ इंच पे निशान लगा लेंगे और सवा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन आठ इंच यहाँ पर रखेंगे और सवा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन अब दोनों को मिला लेंगे लोग तो आ जाते हैं यहाँ पर गले पे हमारा शोल्डर है पौने पाँच इंच यानी साढ़े नौ का शोल्डर था हमारा तो उसका हाफ लिए पौने पाँच इंच तो हम लोग गला यहाँ पर दो इंच लेंगे क्योंकि हमारा चेस्ट अभी बत्तीस इंच है तो हम लोग यहाँ पर गला दो इंच लेंगे अब गले की गहराई गले की गहराई कैसे माप लेते हैं उसको मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि गहराई को मापते कैसे हैं उसको बताया हुआ है आप चाहे तो वहाँ पर देख लीजिएगा तो हम लोग नापते हैं हमारा गले की गहराई है छः इंच तो हम लोग यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और ऐसे यहाँ पर जहाँ पर छः इंच आएगा वहाँ पर निशान लगा लेंगे और उस निशान को ऐसे करके आगे बढ़ा लेंगे अब आ जाते हैं हम लोग गले यहाँ पर दो इंच रखे तो हम लोग डीप बनाना चाहते हैं तो उसको सवा दो भी रख सकते हैं मैं यहाँ पर सवा दो इंच रख रहा हूँ और दोनों निशान को मिला लेंगे और यहाँ पर गले की तरफ पाँव इंच ऐसे डाउन करते हैं अब आ जाते हैं बेल्ट बेल्ट हमारा ब्लाउज का लंबाई है साढ़े बारह इंच तो हमारा बेल्ट का निशान लगेगा तो साढ़े दस में पौन इंच ऐड करेंगे तो यहाँ होता है सवा ग्यारह हमारा तैयार होकर आएगा यहाँ पर सामने पल्ला साढ़े दस पे हम लोग इस निशान को यहाँ पर सीधी कर लेते हैं अब आ जाते हैं कटोरी कटोरी हमारा है यहाँ पर साढ़े पाँच इंच तो हम लोग साढ़े पाँच इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पर भी साढ़े पाँच इंच और इसको ऐसे थोड़ा सा डाउन करते हुए ऊपर की तरफ लकीर खींच लेंगे यहाँ पर कटोरी का सेंटर पॉइंट हमारा कटोरी है साढ़े पाँच इंच तो हमारा सेंटर पॉइंट इकलेगा पौने पाँच इंच और उसको एक इंच ऊपर की तरफ ऐसे निशान लगा लेंगे और उसको सीधी करके मिला लेंगे यहाँ पर पौन इंच डाउन करेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लेंगे अब इस तरफ गले की तरफ यहाँ पर सवा इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे कटोरी ज्वाइन के लिए और उस निशान से यहाँ पर जो हमारे कटोरी लिए हैं उसको राउंड करते हुए मिला लेंगे यहाँ पर सामने पर ले इसलिए एक इंच इसको राउंड कर लेंगे ऐसे इसको भी राउंड कर लेंगे क्योंकि हमारा गोल गला है तो हम लोग राउंड शेप देते हुए इसको मिला लेंगे अब यह हो गया हमारा सामने पल्ला का ड्रा कंप्लीट अब हम इसको कट करेंगे यहां पर शोल्डर को कट कर लेंगे जहां से हम लोग डाउन किए हैं वहां से आर माहौल को भी कट कर लेते हैं आर माहौल की गहराई को यहां पर गले को भी कट कर लेते हैं अब यहाँ पर बेल्ट को भी निकाल लेंगे अब यहां कटोरी को भी कट कर लेंगे ये हमारा सामने पल्ला कट हो गया और ये हमारा बेल्ट हमारा ब्लाउज का लंबाई था साढ़े बारह इंच हमने सामने पल्ला में डेढ़ इंच ऐड किया था क्योंकि हमको बेल्ट में और मार्जिन लेकर के नहीं बढ़ाना पड़ेगा उसमें इसलिए हम लोग डेढ़ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के उसको सामने पल्ला की लंबाई को कट किए थे लेकिन यहाँ पर पीछे पल्ला है तो हम लोग मात्र पौन इंच ऐड करेंगे पौन इंच क्यों ऐड करेंगे क्योंकि दोनों तरफ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ तीन सूत उसमें दबेगा आप चाहे तो उसको कम भी कर सकते हो आधा इंच भी इसमें लंबाई में ऐड करके कर सकते हो लेकिन उसमें पाव इंच से आपको ज़्यादा नहीं दबाना है नहीं तो आपका लंबाई छोटा हो जाएगा और यदि आप उससे भी ज़्यादा दबाते हो तो आप एक इंच ऐड कर सकते हो लेकिन एक इंच यदि बढ़ाते हो ऐड करते हो उसमें लंबाई में तो आपको दोनों तरफ आधा, आधा आधा इंच दबाना पड़ेगा मैं यहाँ पर मात्र तीन सूच से ज़्यादा नहीं दबाता इसलिए पौन इंच यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ लंबाई में हमारा साढ़े बारह इंच लंबाई है तो उसमें हम लोग सवा तेरह लेंगे यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे सवा तेरह में और दोनों निशान को मिला लेंगे अब उसके बाद हम लोग नापे थे शोल्डर हमारा शोल्डर था साढ़े नौ तो साढ़े नौ का हाफ होता है पौने पाँच इंच और नीचे की तरफ उतारे थे हम लोग आर माहौल की गहराई को साढ़े चार इंच पे तो यहाँ पर भी हम लोग पौने पाँच इंच पहले ऐड कर लेते हैं और ये दोनों निशान को मिला लेते हैं और इस निशान को आगे बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर हम लोग गले लिए थे दो इंच सामने जो पल्ला काटे थे उसको गला लिए थे दो इंच हम लोग यहाँ पर चेस्ट लिए थे आठ इंच और इसमें सवा इंच ऐड किए थे यहाँ पर भी वैसे आठ इंच लिए थे और सवा इंच ऐड किए थे अब यहाँ पर हमको सामने पल्ला को ऐसे रखना है यहाँ पर ये यह देखिए हमारा जो सीना लिए थे इस इस निशान से इस निशान से मिल रहा है अब इसको अब इसमें हम लोग यहाँ से यहाँ मात्र एक इंच इसमें ऊपर की तरफ बढ़ाए थे तो इसमें अब डेढ़ इंच बढ़ाना है मतलब यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है अब इसको ऐसे करके राउंड दे देंगे आधा इंच में जहाँ पर हम लोग ऊपर की तरफ लिए थे ऐसे राउंड करते हुए ये ये हो गया हमारा पीछे पल्ले की तरफ अब इस निशान से इस निशान को हम लोग मिला लेंगे अब आ जाते हैं हमारा पीछे पल्ला का गला तो हमारा नीचे से ऊपर की तरफ कमर का जो पीछे गला है वो साढ़े तीन इंच है अब इसमें हम आधा इंच ऐड कर देंगे यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इस निशान को स्केल की सहायता से आगे बढ़ा लेंगे अब यहाँ पर हम लोग लिए थे गला दो इंच तो यहाँ पर हम लोग लेंगे डीप गला है तो हमारा तीन इंच आप चाहे तो ढाई इंच भी ले सकते हो या साढ़े तीन इंच भी कर सकते हो यानी कई लोग बोलते हैं कि हमारा फैला गला फैला हुआ होना चाहिए तो आप साढ़े तीन इंच तक भी ले सकते हो इसको लेकिन कोई बोलता है कोई कस्टमर बोलता है यदि गला फैला हुआ नहीं होना चाहिए सिंपल होना चाहिए तो आप उसको ढाई इंच भी रख सकते हो यानी उसको अपने हिसाब से रखना है या फिर कस्टमर जो बोल रहा है डिमांड किए हैं उसके हिसाब से इसको बढ़ाना है हम लोग गोल गला है हमारा तो यहाँ पर राउंड शेप दे देते हैं ये हो गया हमारा अब ये हमारा पीछे पल्ला तैयार हो गया अब हम इसको कट करेंगे मैंने सामने पल्ला में पाव इंच यहाँ पर गले की तरफ डाउन किया था तो यहाँ पर भी पीछे पल्ला में डाउन कर देना है गले की तरफ इसका रीजन तो मैंने आपको बताया ही है पिछले वीडियो में क्यों डाउन करते हैं अब हम लोग काट लेते हैं इसको डाउन किए हुए गले को इसको भी काट लेते हैं आर मोहल की गहराई को यहां पर गले को कट कर लेते हैं यह हो गया हमारा पीछे पल्ला यह हमारा कटा हुआ कटोरी है अब हम इसको एक्स्ट्रा मार्जिल लेकर के बढ़ाएंगे तो सबसे पहले ऐसे यहां रखेंगे इसको और इसको जितना है उसको ड्रा कर लेंगे अब हम लोग यहां पर एक इंच ऊपर की तरफ लिए थे डांट के लिए और नीचे की तरफ डेढ़ इंच बढ़ा लेना है और दोनों को सेंटर पॉइंट से ऐसे मिला लेना है यहां पर हम लोग सवा इंच लेते हैं सवा इंच इसको सीधी कर लेते हैं इसको भी सीधी कर लेते हैं यहां पर भी सवा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन कर रखना है यहां पर भी सवा इंच यहां पर हाफ इंच यहां पर भी हाफ इंच यहां पर हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के ऐसे राउंड शेप देते हुए जहाँ पर हम लोग सवा इंच का एस्टा मार्जिन लिए हैं वहाँ पर ला के इसको ऐसे मिलाना है यहाँ पर भी इसको ऐसे मिला लेना है यहाँ पर इसको ऐसे मिलाना है इसको ऐसे यह हो गया हमारा कटोरी का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कंप्लीट अब इसको हम कट कर लेते हैं और एक चीज़ इसमें और करना है पहले यहाँ पर हम लोग एक निशान लगाएंगे ज्वाइंट के लिए तो हम लोग हमारा जो कटोरी है वो साढ़े पाँच इंच है तो हम लोग तीन सूत एक्स्ट्रा लेकर के इसमें लगाना है तो हमारा साढ़े पाँच का हाफ़ होता है पौने तीन तीन सूत एक्स्ट्रा लेंगे तो तीन इंच एक सूत यहाँ पर भी तीन इंच एक सूत थोड़ा सा नीचे निशान लगाना है क्योंकि हमको इसको यहाँ पर बढ़ाना होता है अब यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ से जो हमारा टेप यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर कितना आ रहा है इसकी लंबाई कितनी आ रही है उसको हम देखेंगे यहाँ पर हमारा आ रहा है पौने पाँच तो हमको इंची टेप को यहाँ से ऐसे दबाना है और उसको घुमाते हुए ऐसे जहाँ पर हम लोग निशान लगाए थे उसको ऐसे घुमाते हुए जहाँ पर पौने न आएगा वहाँ पर ऐसे लगा लेना है अब इसको यहाँ से सीधी लकीर इस पैंट को इस पैंट से फिर से इसको ऐसे कर लेना है और इसको राउंड करके ऐसे कर लेना है अब इसको कट कर लेंगे यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं कट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक ऐसे तिरछा करके इसको मोड़ लेना है ये हो गया हमारा कटोरी एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ कंप्लीट, ये हो गया हमारा सामने पल्ला और ये हो गया हमारा बेल्ट बेल्ट को हमको एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के और नहीं बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हम पहले से ही पौन इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के इसको ज़्यादा काटे हैं इसलिए हमको एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के बेल्ट को और ज़्यादा नहीं काटना पड़ेगा डायरेक्ट कपड़े में ही इसको रख कर हम काट सकते हैं अब यह हो गया हमारा पीछे पल्ला